मैं सीधे डॉक्टर सुनीला गर्ग जी के पास चलता हूं, जो एडवाइजर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, WHO और MMMC की मेंबर रह चुकी हैं, कोविड टास्क फोर्स से भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर गर्ग, क्या अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसको भारत में तीसरी लहर का संकेत माना जाए? जिस तरह का हाहाकार हमने दूसरी लहर में देखा था, क्या इसे तीसरी लहर का संकेत माना जाए अमेरिका से जो 1 लाख केसेस रोजाना सामने आ रहे हैं उसको देखकर? देखिए, अभी मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि इसको भारत का संकेत माना जाना चाहिए, बल्कि मैं कहूंगी कि अगर हम इंडिया की हालत देखें तो हम एंडेमिसिटी की तरफ, यानी कि लो डिजीज लोड की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि कल भी हम लगभग इस हफ्ते में देख रहे हैं हमारे 34,000 से लेके 42,000 तक के केसेस आए हैं, और उसमें से एक स्टेट ऐसा है, राज्य ऐसा है, जैसे केरल राज्य की अगर हम बात करें तो वहां पे लगभग 71% के करीब केसेस आए, और हम पिछले दिनों में देखें कि केरला में ही खाली जो बेसिकली ज्यादातर केसेस आ रहे हैं, अगर हम उसके साथ में अगर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वगैरह साउथ के राज्य को अगर मिला दें तो लगभग 80% केस वहीं से आ रहे हैं, परंतु बाकी स्टेट्स में अगर हम देखें तो हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी बहुत ही कम है। परंतु इसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा कि अभी भी हमारी 66 करोड़ लोगों को टीका लगा है, परंतु सीरो सर्वे 4 के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे 67.9% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी थी, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन जरूर डेफिनेटली मच बेटर होता है। और परंतु आज भी हमारे लिए जो पॉजिटिविटी जिसमें जिन राज्यों में थोड़ी ज्यादा है उनको मैं कहूंगी कि नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम, इनमें भी पॉजिटिविटी थोड़ी ज्यादा है, परंतु नंबर ऑफ केसेस अगर हम देखें तो हमारे लगभग सेम ही है। अगर पिछले सप्ताह से हम कंपेयर करें तो केवल केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे पिछले ओनम से लेके इस ओनम तक भी नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है। कारण ये है कि आई थिंक कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये परसीव करना पड़ेगा कि ये सीरियस इश्यू है, नंबर एक। नंबर दो, ये भी देखना पड़ेगा कि बेसिकली जो केसेस होम आइसोलेशन में है उनका ठीक तरह से देखभाल नहीं हो पा रही, क्योंकि वहीं से ज्यादा इन्फेक्शन जो है बाकी फैमिली मेंबर्स में फैल रहा है। तीसरी चीज ये है कि हमें एक और दूसरी डोज के बीच में गैप बहुत कम करना पड़ेगा। केरल में लगभग 12 हफ्ते से लेके हमें 8 हफ्ते तक आना पड़ेगा, क्योंकि पहली और दूसरी डोज के बीच में काफी अंतर है। क्योंकि अगर हम केरल की पहली और दूसरी डोज देखें, हम लगभग 2 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन वहां पे लगा चुके हैं, परंतु लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर वैक्सीन जो है फर्स्ट डोज की है, और 70 लाख के करीब जो वैक्सीनेशन है वो सेकेंड डोज की है। तो कहीं ना कहीं अगर गैप को हम देखें तो अगर हम 8 हफ्ते के करीब अगर हम गैप लेके आए तो प्रोबेबली जो हमारा डेल्टा वेरिएंट का जो इन्फेक्शन है उसको हम कम कर पाएंगे। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगी कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे केरल में हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एक केस के अगेंस्ट में हमें एक केस को ट्रेस नहीं करना बल्कि 15-16 केसेस को हमें ट्रेस करना है। और रही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, उसको हमें स्ट्रिक्टली पालन करना है, क्योंकि अभी भी हमें मान के चलना है कि वायरस हमारे राज्यों में से गया नहीं है, कईयों में कम है, कईयों में ज्यादा है, परंतु फिर भी जैसे कि केरल में ज्यादा है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वैक्सीनेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जेंडर इश्यूज को अगर हम देखें तो अभी भी महिलाओं और पुरुषों में 3 करोड़ से ज्यादा का अंतर है, तो इसको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा।